बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और ऐसा लग रहा है जैसे कि एनडीए गठबंधन वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे कम से कम एक बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनती दिखाई दे। आइए इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नंदकिशोर यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बिहार में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के परचम को बहुत लंबे अरसे तक लहराने की पुरजोर कोशिश की है। नंदकिशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई भी कसर छोड़ी नहीं जा रही है। अगर हम जुमलों की बात करें या यूं कहें कि चुनावी वायदों की बात करें तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव करो या मरो बन गया है? देखिए, चुनाव तो हर चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है जी। तो बिहार का चुनाव स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण है हमारे, और हमने सरकार बनाई। यहाँ हमने बिहार के अंदर आरजेडी के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी लंबी और एनडीए की सरकार बनाई। हमारी सीटें ज्यादा थी तभी हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, सरकार बनाई, यहाँ काम किया। और जिस प्रकार से विश्वासघात किया नीतीश कुमार जी ने, उसका भी जवाब देना है लोगों को। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात की बात आप लोग करते हैं, आज मैं आपसे बड़ी बेबाकी से एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, बिहार में मौजूद थे और रात्रि भोज पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, जिसकी वजह से पहली खटास आनी दिखाई दी थी। क्या आपको नहीं लगता कि वही वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए था कि नीतीश कुमार के साथ आगे चलना मुश्किल नहीं है? देखिए, उस समय की परिस्थिति का विचार करिए। बिहार परेशान था 15 साल के लालू यादव के कुशासन से जी, और हमने लालू यादव के कुशासन से मुक्ति के लिए बिहार में लड़ाई लड़ी थी। और उस समय अपमान का घूंट पीकर के हम सरकार में थे, केवल इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि फिर से बिहार जंगल राज की ओर जाए। तो ये हमारी राजनीतिक मजबूरी थी, बिहार को बचाने की मजबूरी थी, जिसके कारण हमने प्राण का घूंट दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अपमान का घूंट दरअसल सत्ता में बने रहने के लिए पिया गया था, चाहे किसी भी तरीके से जो भी हो सत्ता में रहना ज्यादा आवश्यक था बजाय इसके कि अपने मान सम्मान को लेकर अपना रास्ता अलग करना। नहीं, सत्ता में रहना उसमें हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा बड़ा साफ उद्देश्य था कि बिहार को बचाना कैसे, और जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया उनसे बिहार को बचाने के लिए इस प्रकार के समझौते हमें करने पड़े। नीतीश कुमार जी के बारे में व्यक्तिगत राय आपकी क्या है, क्योंकि आप लंबे अरसे से आप उनके साथ काम करते रहे हैं, मंत्रिमंडल में 7.5 साल से ज्यादा वक्त आपने गुजारा, आखिरकार क्या है नीतीश कुमार आपकी नजर? नीतीश कुमार जी केवल अपने लिए जीते हैं, किसी के लिए कोई ममता उनके दिल के अंदर नहीं है, ना तो अपने सहयोगियों के बारे में कोई उनके मन में अच्छी राय है, ना तो जनता के बारे में राय है, केवल अपनी छवि के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, कोई और चीजों की चिंता उनको नहीं रहती। नंदकिशोर जी, आप जैसे नेता हमेशा सीधे और सपाट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बातें तो आप लोग को उस समय भी पता होंगी जब आप गठबंधन की सरकार चला रहे थे, उस समय आप लोग आपस में क्या बात करते थे? नहीं, हमारा तो उद्देश्य उसमें विकास था। भाजपा के जो मंत्री उस सरकार में शामिल थे जी, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि मंत्री बने हैं अगर तो हमें अपने क्षेत्र में विकास के काम को तेज करना है। और आपने देखा भी, अगर आज बिहार के विकास की चर्चा होती है तो बिना सड़क के चर्चा के बिहार के विकास की बात पूरी नहीं हो सकती है। उसमें सड़क मंत्री मैं स्वयं था, स्वास्थ्य की चर्चा होती है, स्वास्थ्य के सारे मंत्री भाजपा कोटे के थे, मैं भी था 2.5 साल तक मंत्री जी। पर्यटन के क्षेत्र में अगर आगे बढ़े हम, पर्यटन मंत्री मैं भी था। तो जिन क्षेत्रों में बिहार विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उन क्षेत्रों अधिकांश विभागों के मंत्री भाजपा कोटे के थे, क्योंकि उनके सामने एक ही ध्येय था, बिहार को आगे बढ़ाना है, विकास के काम को तेज करना है। लेकिन जब उस समय बात होती थी विकास की तो उस समय तो यही कहा जाता था कि एनडीए के दौर में बिहार में विकास हो रहा है, तो क्या आज जब आप लोग दोनों साथ नहीं है तो ये हो रहा है कि जो विकास हुआ वो आपका और जो नाश हुआ वो नीतीश जी का? भाई 2.5 साल में हाल क्या हो गया? जब तक मैंने कहा जब तक हम साथ में थे तब तो काम ठीक होते रहे, लेकिन 2.5 साल में हुआ क्या? लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियरेट कर गया, लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, अब तो 2005 के पहले के आंकड़े को भी हम आगे पार कर गए। दूसरी ओर विकास के सारे काम ठप हो गए, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर रोड के सेक्टर में आ रहे थे और लोग भी आ रहे थे, सारे इन्वेस्टर भाग खड़े हो रहे हैं यहाँ से। आखिर कैसे भरोसा करेगा लोग नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार जी अपने बल पर राज कर नहीं सकते, 100 सीट पे केवल लड़ रहे हैं, बिना लालू यादव जी के समर्थन के सरकार नहीं बना सकते हैं। लालू यादव जी से दोस्ती करने के बाद कोई सुशासन की बात करे, कोई विकास की बात करे, कौन भरोसा करेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके तमाम गठजोड़ के समय नीतीश कुमार दरअसल कुछ खास करते नहीं थे, ये सब आप लोग थे जो सरकार को आगे चला रहे थे और नीतीश कुमार उसका पूरा क्रेडिट ले रहे थे? तो श्रेय तो बोले जाते थे, परिश्रम हम करते थे, इसमें क्या तुम है? तो आज जब आप लोग चुनावी अखाड़े में उतरे तो ये गठबंधन करना क्यों आवश्यक हुआ? क्या ये सिर्फ इसलिए जरूरी था क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हाथ मिला चुके थे, जिसे आप अवसरवादी कहते हैं, क्योंकि आपके गठबंधन को भी अवसरवादी ही कहा जा रहा है? ये दोनों में अंतर है। हम लोकसभा का चुनाव जिन लोगों के साथ मिलकर लड़े, रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम उनके साथ आज गठजोड़ किया हमने।
लेकिन आप गौर करेगा इस बात को, लालू जी अगर जिस समय, ये नीतीश कुमार जी जिस समय हमसे अलग हुए जी, तो नैतिकता का तकाजा ये था कि जनता से उन्होंने वोट मांगा था आरजेडी के शासन के खिलाफ भाजपा जदयू गठबंधन के नाम पर, और नैतिकता का तकाजा था कि वो इस्तीफा देते, फिर से नया चुनाव कराते लालू जी के साथ मिलकर के, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, और जिस लालू जी के खिलाफ वोट मांग के सत्ता में आए, कुर्सी बचाने के, उसी लालू जी से समझौता कर लिया, मैं इसकी आलोचना करता हूं, ये गलत। आज आरोप आपके ऊपर जो आपके विरोधी हैं वो ये लगाते हैं कि जितेंद्र मांझी को आपने अपने साथ इसलिए रखा क्योंकि महादलित वोट बैंक में दरअसल आपको सेंध लगानी है और यही एक रास्ता है जिसके जरिए आप सत्ता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए विरोधी क्या कहते हैं मैं उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जो कमजोर आदमी, गरीब आदमी, दलित समुदाय के लोग, पिछड़े लोग, अगर कोई जान उसके अपमानित करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। जीतन मांझी जी को जिस प्रकार अपमानित किया गया, एक महादलित के बेटा होने के नाते मैंने उनका साथ दिया, आज वो मेरा साथ हैं। नंदकिशोर जी, क्या आप मानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण वाकई में एक वास्तविकता है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता? क्या टिकट का वितरण जातीय समीकरण प्राथमिकता के आधार पर होता है? क्योंकि जातीय समीकरण को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, बीजेपी उसे नकारती रही है और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि उसके बिना बिहार में कुछ नहीं हो सकता, सच क्या है? ये लालू जी क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उनके वितरण का आधार क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल जाति को आधार बनाकर टिकट का वितरण नहीं किया। नंदकिशोर जी, क्या ये वाकई में वास्तविकता है? क्योंकि बिहार में जैसे ही आप जाएं, लोग हमेशा आपके नाम के बाद कहते हैं आगे, यानी कि आपका सरनेम क्या है, उसके आधार पर तय होता है कि दरअसल आपसे किस तरीके से बात की जाए। तो क्या ये वास्तविकता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार करना चाहती है या आप मानते हैं कि नहीं, बाकी और मसले ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए मैं ये नहीं कहता कि जाति का कोई महत्व नहीं, मैं ऐसा मेरा कहने का अर्थ नहीं है जी, मैंने उस आधार पर केवल टिकट का वितरण नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि जातियों के आधार पर पॉपुलेशन होते हैं जी। लेकिन उदाहरण यह भी है, बिहार ने ही इस बात को सिद्ध किया है कि जब विकास के सवाल आए, जब राज्य को बचाने का सवाल आया, देश को बचाने का सवाल आया, 1977 में, 2005 में, 2010 में लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान किया है राज्य को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए। और इस बार भी आपको लगता है कि जातीय समीकरण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विकास होगा क्योंकि इसी की पैरोकारी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? देखिए सारे जातीय समीकरण तो बिहार में ध्वस्त हो गए, अब तो हम विकास के लिए लड़ना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। जो थके हुए हारे हुए लोग हैं, जो निराश लोग हैं, वही जाति की बात करके फिर से बिहार को अविकास के दलदल में फंसाना चाहते हैं, मेरी लड़ाई तो विकास की लड़ाई है। बिहार में हिंदुत्व कभी एक मुद्दा नहीं रहा, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगता है कि दादरी के प्रकरण की पूरी छाप दिखाई दे रही है। गौ मास को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, शायद इतनी चर्चा बिहार में पिछले 70 साल में नहीं हुई, क्या ये आपकी देन है? देखिए मैं तो केवल विकास की बात करना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई नेता, कोई गोपालक जो कृष्ण का वंशज अपने को कहने की बात करता है, वो गोमांस खाने की बात करे, क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि जो गोपालक हैं वो गौ की पूजा करते हैं, गौ को मां मानते हैं, अपना भोजन करने के पहले एक रोटी निकाल करके गौ माता को खिलाते हैं, और कोई ये आरोप लगा दे केवल नेता वोट की खातिर कि साहब हिंदू गोमांस खाता है, क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? अगर हमें विरोध करते हैं, आपको हिंदुत्व तो दिखाई पड़ता है, मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन सच तो बोलना ही पड़ेगा। ये कैसे बर्दाश्त किया सकता है बिहार के अंदर गोपालक को गोमांस खाने वाला बता दिया जाए? तो क्या आपको लगता है कि लालू जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए उनके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए लालू जी की परेशानी मैं समझता हूं, जिस वोट बैंक के बल पर वो नेता बने थे, वो वोट बैंक धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, क्योंकि उस वोट बैंक को भी, उस यादव समाज के लोगों को भी विकास चाहिए, यादव के बेटे को भी शिक्षा चाहिए, अब वो टमटम पर चढ़ने के लिए केवल तैयार नहीं है, केवल भैंस पर चढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसको भी शिक्षा चाहिए, उसको भी घर में बिजली चाहिए, उसको गांव में सड़क चाहिए, वो कंप्यूटर पे काम करना चाहता है, लैपटॉप पे काम करना चाहता है, और लालू जी आज भी जी। उसको टमटम पे चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए लोग लगातार उनसे दूर होता जा रहा है। इस गठजोड़ में सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है जो कि हर कोई उसके बारे में चर्चा करता दिख रहा है कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि किसी न किसी चेहरे को सामने रखते हैं। ये बात सही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? बिहार में क्या इतने ज्यादा नेता हैं कि दिक्कत है चुनने में, या यूं कहें कि अगर किसी एक को चुन दिया तो बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी? देखिए मुख्यमंत्री का अधिक दावेदार होना जी, एक से अधिक लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसके लायक हैं, सक्षम हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का लक्षण है। अरे यहां तो किसी को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के लिए जहर खाना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की जहर खाने की नौबत किसी को नहीं आएगी। सवाल अभी कई बाकी हैं, नंदकिशोर जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे, देखते रहिए अखाड़ा।
एक बयान आ रहे हैं भारतीयता पार्टी के नेताओं के ही, जो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आएगी, जो कि आप आश्वस्त हैं कि चुनाव जीतेंगे, तो वो पिछड़े वर्ग का होगा, खास करके यादव जाति का। तो ऐसे में क्या आपका नाम सबसे आगे रखा जाएगा? इसका निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा जी। मैं जानता हूं कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसके बारे में निर्णय करेगा, पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या वाकई में जब एक छवि रही है भारतीय जनता पार्टी की कि ये दरअसल सवर्णों की पार्टी रही है, बिहार में क्या ये छवि उतनी ही वास्तविकता के साथ सार्थक है, या आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक समुचित जातीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसमें सिर्फ सवर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही? देखिए, छवि हमारी नहीं है, ये विरोधियों के आरोप हो सकते हैं। सच यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है और सबका साथ सबका विकास, ये केवल हमारा नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है। इसके आधार पर हम काम करना चाहते हैं। समाज का हर तबका अपना चेहरा आज बिहार बीजेपी के लीडरशिप में देख सकता है, ऐसी स्थिति बिहार में बीजेपी। क्या आपको लगता है क्या वाकई में स्थिति अलग होगी? क्या हम ये देख सकते हैं जैसा कि हरियाणा में हुआ या फिर जैसा झारखंड में देखने को मिला, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा कहीं होती ही नहीं थी वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए? देखिए, मैंने कहा आपसे, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो विकास की बात करेगा, विकास का काम करेगा। आपने लालू जी की राजनीति देखी, लालू जी को देखा, नीतीश कुमार जी की राजनीति देखी, नीतीश कुमार जी को देखा, इन दोनों को साथ देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? एक ही विचार है, लोग कुर्सी की खातिर ऐसे समझौते कर सकते हैं, मैंने कभी जमीन में सोचा नहीं था। ये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सिद्धांतों से समझौता करना जी, ये इतना खतरनाक दृश्य है। आप कल्पना करिए ना, इन लोगों ने क्या किया राजनीति। जयप्रकाश जी के आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, कांग्रेस ये कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, जी डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया जीवन भर गैर कांग्रेसवाद के नारे को बुलंद करते रहे। जयप्रकाश जी ने अपनी जिंदगी खपा दी कांग्रेस के विरोध के नाम पर, उसके वंशवाद के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कर्पूरी जी जीवन लड़ते रहे कांग्रेस के खिलाफ। और ये लोग जो अपने को लोहिया जयप्रकाश और कर्पूरी जी का वारिस बनाने की बात करते बनने की बात करते हैं, आज उस कांग्रेस के गोद में चले गए, उन भ्रष्टाचारियों से समझौता कर लिया। सवाल अभी कई बाकी हैं, नंद किशोर जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे, देखते रहिए अखाड़ा। अगर सरकार, मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि सरकार महागठबंधन की बनती दिखाई दे, तो क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सिर्फ चेहरा रहेंगे और सरकार लालू जी चलाएंगे, जो कि कई रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, क्या यही वास्तविकता होगी? क्योंकि आप इस राज्य की नस नस को पहचानते हैं, बहुत लंबे अरसे से आप यहां रहे हैं। देखिए, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती जी, क्योंकि जैसे देश भर के लोगों ने कांग्रेस मुक्त देश बनाने का निर्णय लिया है, वैसे ही बिहार के अंदर आरजेडी के शासन के खिलाफ लोगों में आज भी गुस्सा जिंदा है। किसी भी हालत में बिहार में आरजेडी के समर्थन की सरकार लोग नहीं बनने देंगे, इसलिए मुझे कोई संभावना नहीं दिखती है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की और लालू जी के पीछे से काम करने की। और अभी जो चुनाव प्रचार जिस तरीके से महागठबंधन कर रही है, इसमें आपको ड्राइविंग फोर्स कौन दिखाई देता है? ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है, नीतीश कुमार जी बैठे हैं या लालू प्रसाद यादव बैठे हैं? देखिए, आप बार बार महागठबंधन करते हो, कहां महा है भाई मेरे। अरे, इन लोगों ने गठबंधन किया, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी को घोषित किया, मुलायम सिंह जी चले गए, तारिक अनवर से समझौता करने की बात की, वो चले गए, बचा क्या? जो बचे हैं वो एक दूसरे के साथ भाषण देने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो लालू जी नहीं जाते हैं, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, बेटा को भेजते हैं। अब कह रहे हैं, लालू जी ने कहा कि हम सोनिया जी के साथ मन साझा नहीं करेंगे। ये कैसा गठबंधन है, कैसे सहयोगी है जो एक दूसरे के साथ मन साझा नहीं कर सकते, उस सरकार क्या चलाएंगे? कितनी सीटें आपको उम्मीद है कि आपके गठबंधन के खाते में आ सकती है? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता और मैं भविष्यवक्ता हूं भी नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, विकास के नाम पर अपने वोट मांगा है, 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूज नेशन से बात, धन्यवाद।